हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है, हम लोग आए हैं कैलाशगिरी में। कैलाशगिरी जो कि पूरा समुंदर, मतलब समुंदर के ऊपर में है पूरा है। तो यहाँ से व्यू देखने के लिए बहुत ही मज़ा लगता है और ये बहुत ही बड़ा पार्क है। लास्ट टाइम आया था, अंधेरा हो गया था, कुछ दिखा नहीं पाया था, पर ये वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। और जब इसके ऊपर तक आएँगे, स्टार्टिंग से ही आपका पार्किंग प्लेस के लिए जो भी है ले रहे हैं। और 50 रुपीज़ फोर व्हीलर, 30 रुपीज़ किसके लिए पता नहीं, 20 रुपीज़ टू व्हीलर के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे आके आप वो करने वाले, और यहाँ से आपको बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन सारा कुछ मिलते हुए मस्त से नज़र आ रहा है। आप अच्छे से एंजॉय भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे पार्किंग का स्पेस मिलेगा। और ये है फ्रंट, फ्रंट वाला व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम लोग पार्क के अंदर घूम रहे हैं। तो पार्क तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, दो एक मूर्ति है। आप आए, आधा घंटा एक घंटा यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, फिर निकल जाए। तो अभी जो जो है पार्क में वो सारा चीज़ मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ऊपर से आपको पूरा वाइजाक का सिटी नज़र आता है, और आगे भी आपको वो पोर्ट भी नज़र आता है। यहाँ से बहुत ही सुंदर प्लेस है, मस्त प्लेस है, ज़बरदस्त प्लेस है। पहाड़ के ऊपर में आपको एक यहाँ पे फूड कोर्ट भी अवेलेबल है। तो आप अगर भूख लग रहा है, पानी प्यास लग रहा है, तो उसका भी मज़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो सब इस प्रकार के फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। आप आइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पे फूड कोर्ट का प्राइस थोड़ा हाई है, क्योंकि ये ऊपर ला के बेच रहे हैं, पता जो भी हो, पर हमें तो कम्युनिकेशन का इशू है, तो फिर हम तो यहाँ बोल नहीं सकते, बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। जो कि ये 30 रुपीज़ वाला है, मैंने ख़रीदा 45 रुपीज़ में। ये हमारा कैलाशगिरी का रोप वे है। देखिए कितना अच्छा सीन बन रहा है यहाँ पे।
भी सही है, वो भी ले लो भैरव शंकर के मूवी। और देखिए यहाँ पे कितना सारा अच्छा अच्छा व्यूज भी है, बहुत एंजॉय किया हम लोग आग के बीच में, बहुत सारा रील्स भी मैं कर दी। बोलो क्या बोलना है, क्या क्या एंजॉय किया? हाँ मेरा तो एंजॉयमेंट मेरी भाभी जी का फोटो और वीडियो लेने में चले गया, पूरा मोबाइल हैंग होना चालू हो गया है, पूरा ऑलमोस्ट 10-15 GB तो ऐसे ही फुल हो गया है, जाके सब क्लीन अप करना है। ये मेरा कैमरामैन बन के आया था इसलिए। हाँ मैं मेरी भाभी का कैमरामैन हूँ, यही एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फोटो ले रहे हैं बस। लंदन भी हो गया। लंदन क्या होता है? लंदन लंदन क्या होता है? नंटू डकलू। हाँ डकलू। अरे पापा जी हमारा चश्मा लगाए पूरा हीरो बन गए। अरे ये तो पूरा ये बड़ा टकलू है, ये छोटा टकलू है। सीमांचल में कौन से बड़े टकलू कौन से किसी ने कौन लगला किसी ने लगे वो? हम सीमांचल में गुनू सिंह जो लॉर्ड है उनको भी देखे, वहाँ पे फ्री वाला एक वे था और 300 रुपीज़ वाला एक वे था और 100 रुपीज़ वाला एक वे था। हम लोग पर ईच पर्सन 100 रुपीज़ देके 190 में गए, बट उसके अंदर में 100, 300 और फ्री वाला रहता है, मिडिल में सब लोग एक साथ ही हो जाते हैं। और वहाँ पे भगवान जी को दर्शन किए और भोग चढ़ाए, भोग भी लाए हैं लगाए और दर्शन किए भगवान को। और इन दोनों का क्या मानसिक जो बोलते हैं था कई लोग ऐसे हो गए बाल कटवा दिए हैं, और हमारा माता श्री जो पीछे में है वो भी थोड़ा कटवा दिए, काट दिए। हंसिए मत, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो मैं जेंडर चेंज करके बोल देता हूँ, समझ लीजिए। और वहाँ पे अच्छा समोसा भी मिलता था। समोसा समोसा ना खाया? समोसा खाया नहीं, सेल हो रहा था ना टपक ही दो। और टिफिन वहाँ पे डोसा और इडली। और हम आज मॉर्निंग में गए कहाँ होटल कूल रिवर गए थे, वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी था, वहाँ पे कल रात से हम वहाँ पे स्टे किए थे। और आज मॉर्निंग में डोसा इडली पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट पूरा टेस्टी टेस्टी 4 गौरी भी दिया था, अच्छा दिया था। और माता श्री का आज एकादशी था, वो तो फ्रूट खा के पूरा टायर्ड होके सो गए।